इंश्योरेंस क्लेम हम लोग कर रहे थे, और अभी तक इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने लॉस ऑफ स्टॉक की कैलकुलेशन की थी। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट की। एग्जाम में इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट जनरली इसको प्रोसीजर से याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अंदर एक खास कंसेप्ट और लॉजिक है, और अगर वो लॉजिक आपने पकड़ लिया, अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ गया, तो इवन मैं कुछ नहीं भी बताऊंगा तब भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कर पाएंगे। तो आज अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्या है टॉपिक इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसकी वर्किंग की बात करेंगे। हम कितने रुपीज़ का क्लेम कर पाएंगे, रियलिटी में तीन फैक्टर के अंदर, ब्रॉड फैक्टर में डिवाइडेड है। तीन फैक्टर ये डिसाइड करते हैं कि आखिर हमारा क्लेम कितना एडमिट होगा। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है कि आखिर लॉस हुआ कितना, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ। जितने का आपका लॉस होगा उतने का ही तो क्लेम करेंगे ना आप। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हमारा लॉस हुआ कितने का। अब कोई पर्सन लॉस कितने का हुआ कैसे बता सकते हैं? दो चीजें मिलकर आपको इसका जवाब देती हैं। जब तक आपके पास वो दो चीजें नहीं है तब तक आप लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ नहीं बता पाएंगे। और जो दो चीजें हैं उनमें से एक सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा प्रॉफिट के रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। पहली चीज शॉर्ट सेल्स कितनी हुई, दूसरी चीज रेट ऑफ प्रॉफिट कितना था। अब ये दो ही बातें क्यों डिसाइड करती हैं प्रॉफिट को, लॉस को, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हम जो बिजनेस करते हैं वो एक खास गोल के साथ करते हैं और वो गोल होता है प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो हवा से तो हमारे पास नहीं आ पाता। ये जो प्रॉफिट हमारे को होता है उसके पीछे खास एक्टिविटी हमें करनी पड़ती है, उस एक्टिविटी का रिजल्ट हमें प्रॉफिट मिलता है, और वो एक्टिविटी होती है सेल्स की। तो अगर किसी वजह से आपकी सेल्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया तो सीधा नेगेटिव इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। अगर किसी वजह से आपकी सेल्स बढ़ जाती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, सेल्स घट जाते हैं तो प्रॉफिट भी घट जाते हैं। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट लॉस्ट हो गया तो आपको ये जानना पड़ेगा कितनी सेल्स आपकी लॉस्ट हो गई। तो पहली चीज जो इसमें रोल प्ले करेगी वो है शॉर्ट सेल्स। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो से मैं कहता हूँ कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें हर महीने 5 लाख रुपए की सेल मैं कर लेता हूँ, हर महीने 5 लाख रुपए की सेल। बट इस बार एक एक्सीडेंट की वजह से मैं 5 लाख रुपए की सेल नहीं कर पाया, मैं सेल्स कर पाया सिर्फ ₹1 लाख की। तो यहाँ पर उस एक्सीडेंट का मेरे ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उस एक्सीडेंट का मेरे ऊपर 4 लाख रुपए की सेल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। कहाँ 5 लाख रुपए की सेल हो रही थी और कहाँ केवल 1 लाख रुपए की सेल हुई। तो मेरा जो लॉस हुआ होगा वो जो 4 लाख रुपए की सेल्स मैंने गवा दी उसके ऊपर हुआ होगा। और ये बात तो सबको पता है कि सेल्स जो हम करते हैं उसी के ऊपर प्रॉफिट होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो इस बात पे डिपेंड होता है कि आखिर हम प्रॉफिट कमाते किस रेट से, हमारे में प्रॉफिट कमाने की पावर कितनी है। हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं कि 20% प्रॉफिट कमाते हैं, यही तो टोटल प्रॉफिट को डिसाइड करेगा। इसलिए एक तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी सेल्स कितनी डाउन हो गई, दूसरा मेरे में प्रॉफिट कमाने की क्षमता कितनी है, जो कि नॉर्मली रेट के अंदर डिफाइन की जाती है। और अगर मैं मान लूं कि से इस बिजनेस में मेरा जो प्रॉफिट कमाने का रेट था वो 20% था, मैं जो माल बेचता था उसमें 20% प्रॉफिट कमा लेता था, 100 रुपए की चीज बिकती थी तो मुझे 20 रुपए का फायदा हो जाता था। तो यहां पर अगर मेरी 4 लाख रुपए की सेल डाउन हो गई तो ऑब्वियसली 20% मतलब ₹80,000 का प्रॉफिट भी डाउन चला गया होगा। और यही मेरी पहली कैलकुलेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि मुझे लॉस कितने प्रॉफिट का हुआ। तो फिलहाल ये एग्जांपल कह रहा है कि हमारा जो लॉस हो गया वो ₹80,000 के प्रॉफिट का हो गया। बट यहाँ पे तो मैंने ये सारी की सारी फिगर आपको दिखा दी है कि सेल्स हमारी इतनी डाउन हुई, प्रॉफिट हमारा इतना रेट है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये सारी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। तो खुद कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। और कैसे ये कैलकुलेशन करते हैं, क्या है ये प्रोसीजर है, जनरली स्टूडेंट इसको एक फार्मूला बना के याद करते हैं। बट मेरी कोशिश होगी कि आपको कोई फार्मूला ना याद करना पड़े और आप मेरे बिना बताए मुझे कॉन्फिडेंस है कि जवाब दे देंगे कि कैसे ये शॉर्ट सेल्स पता लगाई जाती है। बट उसके लिए मुझे अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल यूज करना पड़ेगा, अलग एग्जाम्पल यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप खुद ही बताएंगे
कि कितने की यहाँ पे सेल्स, शॉर्ट सेल्स आनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ उसमें मैं दो फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा, और जो दो फाइनेंशियल ईयर होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में मैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स यहाँ पे क्रिएट करूंगा। हमने एक चीज नोटिस की है बिजनेस के अंदर, हर महीने सामान एक जैसा नहीं बिकता, किसी किसी महीने में तेजी होती है, ज़्यादा सामान बिकता है, कोई फेस्टिवल मंथ आ जाते हैं ज़्यादा सामान बिकता है, कुछ ऐसे मंथ आ जाते हैं जब सामान हमारा कम बिकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे आप उसे विजुलाइज कर सकें और जवाब दे सकें। दो फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करता हूँ, पहला फाइनेंशियल ईयर है से 2017-2018, दूसरा एक फाइनेंशियल ईयर 2018-2019। जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसको मैं चार क्वार्टर्स में, तीन तीन महीने के चार क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता हूं और उसकी सेल्स को यहां पर शो करने की कोशिश करता हूं थ्रू ग्राफ। फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर में मान के चलता हूं से हमारे बिजनेस में जो सेल्स होती है वो 50,000 रुपए की होती है। दूसरा जो क्वार्टर है वो थोड़ा तेजी वाला क्वार्टर था, उसमें हमारी सेल बढ़ जाती है और हमारी सेल बढ़कर हो जाती है 80,000 रुपए। तीसरा जो क्वार्टर है उसमें सेल थोड़ी सी फिर से डाउन हो जाती है और हमारी सेल जो है आ जाती है रुपीज 40,000 रुपए पे। और जो उससे अगला क्वार्टर उसमें सेल फिर थोड़ी सी डाउन हो जाती है और सेल्स आ जाती है हमारी से 30,000 रुपए पे। यहां पर जाकर हमारा एक जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो जाता है, यहां पर एंड हो गया हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और उसके फौरन बाद एक अगला साल शुरू हो गया 2018-2019। उसमें भी इसी तरीके से हमने बिजनेस शुरू किया, तो हमारी सेल से शुरुआत हुई। अब जो हमारी सेल्स से शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है से रुपीज 55,000। पहले ये जो क्वार्टर वन था उसमें 50,000 की सेल थी, लेकिन अब जो क्वार्टर वन आया उसमें सेल हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, हमारी सेल हो गई है 55,000 रुपए की। फिर इधर क्वार्टर टू था, ऐसे यहाँ पे भी क्वार्टर टू आया तो थोड़ी सेल में फिर इंक्रीज नजर आया। यहाँ पे जो हमारी सेल्स होती है वो मैं मान के चलता हूँ से 88,000 होती है। पिछले साल क्वार्टर टू के अंदर 80,000 की सेल हुई थी, अब 88,000 की सेल हो गई है। थर्ड क्वार्टर को मैं सस्पेंस में रखता हूँ, इसकी बात मैं थोड़ी देर में करूंगा। बट उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर था उसकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें जो हमारी सेल्स हुई है वो ये 33,000 क्वार्टर फोर। यहां पे जाके फिर से हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। पिछले साल क्वार्टर फोर में जो हमारी सेल हुई थी वो 30,000 की हुई थी, यहां पे हुई है 33,000 की। और अब मेरा एक सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पे जो क्वार्टर थ्री की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कितना अमाउंट मुझे लिखना चाहिए जो आपके हिसाब से यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा, कितना अमाउंट यहाँ पे लिखना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब 44,000, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया 44,000। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए कि आपने इसे 44,000 कैसे जान लिया? मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं, आपको क्यों लगा कि यहाँ पे जो फिगर है वो 44,000 होनी चाहिए, कैसे आपने बताया? यहां से आपने कंपेयर किया, ठीक है, बट यहां पे तो 40,000 था, फिर आपने यहां पे 40,000 क्यों नहीं बताया, क्यों आपने 44,000 बताया? बिल्कुल सही, आपने कंपेयर किया सर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इधर 50,000 था, इधर 55,000 हो गया, 10% यहां पे बढ़ गया। दूसरे क्वार्टर में भी 80,000 था, 88,000 गया, 10% यहां पे भी बढ़ गया। तीसरे क्वार्टर का पता नहीं, लेकिन चौथे क्वार्टर में 30,000 था, वो वहां पे जाके 33,000 हो गया, यहां पे भी 10% बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो बीच में क्वार्टर मिस है वहां पे भी 10% बढ़ना चाहिए, बस यही तो लॉजिक है। अब अगर मैं यहां पर, अभी तो मैंने तुमसे प्रिडिक्शन की कि यहां पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अब अगर मैं बोलूं कि भाई इस पीरियड में मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी और मैंने ये सेल नहीं की कुछ भी, तो ऐसे में क्या आप मुझे बता नहीं सकते कि कितनी सेल्स एक्सपेक्टेड थी जो मैंने नहीं की? बिल्कुल सही जवाब, 44,000 रुपए जो मैंने एक्सपेक्टेड सेल के डाले थे, अगर किसी मिस हैपनिंग की वजह से अगर सेल नहीं हुई तो शॉर्ट सेल्स के आगे जो वैल्यू लिख दी जाएगी वो कितनी लिख दी जाएगी? रुपीज 44,000। और ये पता लगाने में अनजाने में ही आप दो कंसेप्ट सीख चुके हैं 44,000 पे, अब मैं यहां पे रिप्लेस कर दे, दो कंसेप्ट आप सीख चुके हैं मेरे बिना बताए। नंबर वन कंसेप्ट कि अगर हमारे को किसी एबनॉर्मल पीरियड की या लॉस पीरियड की सेल्स का नहीं पता,
तो पास्ट जो पीरियड की सेल्स है उससे उसके बारे में वैल्यू प्रिडिक्ट की जा सकती है, बट कोई भी वैल्यू नहीं उठा लेंगे हम पिछले पीरियड की। अगर लॉस क्वार्टर थ्री में हुआ तो प्रीवियस पीरियड के क्वार्टर थ्री से ही डिसाइड हो पाएगा कि यहां पर कितनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर लॉस क्वार्टर वन में हुआ है तो प्रीवियस ईयर का क्वार्टर वन डिसाइड करेगा, अगर क्वार्टर टू में लॉस हुआ है तो प्रीवियस ईयर का क्वार्टर टू डिसाइड करेगा, यहाँ पे लॉस क्वार्टर थ्री में है तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर थ्री ही से डिसाइड किया जाएगा कि हमारी एक्सपेक्टेड सेल क्या थी। बिजनेस में हर महीना हर क्वार्टर अलग टाइप का हो सकते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग सीजनल बिजनेस करते हैं तो किसी सीजन में तो ज्यादा उनकी सेल होती है और किसी सीजन में कम सेल होती है, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं कि से ऊनी कपड़ों का मेरा बिजनेस है तो सर्दियां जब होंगी तो सेल बढ़ जाएगी और गर्मियां होंगी तो सेल मेरी गिर जाएगी। इसलिए आप ऐसे कोई भी फिगर नहीं उठा सकते, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की ही फिगर से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी फ्यूचर की एक्सपेक्टेड सेल क्या होगी। दूसरी एक चीज आपने और अनजाने में सीख ली कि ये जो सेल हमारी नेक्स्ट पीरियड में आती है वो सिर्फ सीधा उठ के नहीं आती, बल्कि उसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई ट्रेंड है, प्लस या माइनस का कोई ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड भी फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो वो ट्रेंड हमें दूसरी फिगर से पता चला कि 10% का इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग था इसलिए हमने इंक्रीज कर दिया। अगर डिक्रीजिंग होता तो मेरे को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है कि आप सही जवाब देते, डिक्रीज भी कर देते। तो यहां पर ये जो फिगर 44,000 पहुंची है वो दो चीजों से पहुंची है, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो प्रीवियस ईयर में था वहां की सेल, और दूसरा ट्रेंड ने इफेक्ट डाला, इंक्रीज या डिक्रीज इसके अंदर कर दिया गया। अब एक चीज इसमें और मैं डाल देता हूं, मैं मान लेता हूं से इसके अंदर सारा लॉस नहीं हुआ, कुछ हमने सेल फिर भी अचीव कर ली। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे इस पीरियड में जो हमारी सेल फिर भी हो गई वो से ₹20,000 की हो जाती है, ₹20,000 का माल बेचने में सफल हो गए, तो इसका सीधा इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आपने 20,000 की सेल कर ली, 44,000 की सेल एक्सपेक्टेड थी और 20,000 की सेल कर दी, तो इसका अब आपकी शॉर्ट सेल जो है वो कितने की रह गई है, केवल 24,000 की शॉर्ट सेल रह गई है। तो आपका लॉस जो हुआ होगा वो 24,000 की सेल्स पे हुआ होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, दूसरी चीज ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट, कि हमारा जो लॉस हुआ उस पर प्रॉफिट कितने का हम कमा सकते थे, ये डिसाइड करेगा रेट ऑफ प्रॉफिट। अब रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे पता लगता है, भाई रेट ऑफ प्रॉफिट पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम हर साल एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर हमारे को अपनी प्रॉफिट की, लॉस की, सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है। वहां से हमें पता लग सकता है कि आखिर प्रॉफिट कमाने की हमारी क्षमता कितनी है। और ध्यान रखना, ये जो कैलकुलेशन है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन से की जा सकती है जो रेडी फॉर्मेट में है, जो रेडी हो चुकी है, जो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर ना तो नॉर्मल है, अबनॉर्मल फैक्टर इसके अंदर आ गया है, और ना ही ये रेडी है। हम ये जो प्रिडिक्शन करते हैं वो किसी पास्ट ईयर की रेडी इंफॉर्मेशन से करते हैं, और हमें पता है कि जब ये फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ होगा 2017-18, तो हमने यहाँ पे क्या बनाए होंगे, फाइनल अकाउंट्स जरूर बनाए होंगे। जब फाइनल अकाउंट बनाए होंगे तो वहां पर हमें अपने इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस सब की जानकारी मिल गई होगी। तो ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है इसी से हमने फ्यूचर की सेल्स का प्रेडिक्शन किया, और इसी से हम अपने प्रॉफिट के रेट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब कैसे किया जाता है रेट का प्रेडिक्शन, उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पिछले साल आपकी टोटल सेल हुई कितनी थी, जो कि पिछले साल का फाइनल अकाउंट हमें बता देगा। अगर मैं यहाँ पे सेल्स की बात करूं, 2017-2018 की कैलकुलेशन कर रहे हम, जो हमारी सेल्स हुई थी वो हुई थी 50,000, 80,000, 1,30,000, फिर 40,000 और फिर 30,000, सबको ऐड करें तो 2,00,000 रुपए की। 2,00,000 रुपए के सेल पे सबसे पहले हमने डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए होंगे और हमारे पास इससे आया होगा ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि से हमारा यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो ₹60,000 आ गया, लेकिन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और फाइनल प्रॉफिट नहीं होता, उसके बाद हमें और एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं। तो इसके बाद इसमें आ जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस वैसे दो टाइप के हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट अभी मुझे आपको एक कंसेप्ट समझाना है इसलिए मैं सिर्फ एक ही टाइप के एक्सपेंस यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि केवल फिक्स एक्सपेंस है, जिनको हम अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर स्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं इसमें, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपके ऊपर बंधा हुआ है और होके रहेगा, जिससे आप बच नहीं सकते, वो सब स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो फैक्ट्री है वो रेंट पे ले रखी है, तो रेंट आपको देना पड़ेगा चाहे आपको काम मिले या ना मिले, फिक्स चार्जेस। आपने कोई लोन ले रखा है, अब लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा चाहे आपको काम मिले या ना मिले, आप प्रॉफिट कमा पाए या ना कमा पाए, आपको ब्याज तो भरना पड़ेगा, फिक्स चार्जेस। आपने मैनेजर और कुछ परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है, अब काम चाहे कम हो चाहे काम ज्यादा हो, आपको उस परमानेंट स्टाफ को तो सैलरी देनी पड़ेगी, फिक्स चार्जेस। तो हमारे जो फिक्स चार्जेस होते हैं, मैं फिलहाल केवल उन्हीं की बात करता हूं जो कि है से रुपीज 40,000, 40,000 रुपए के हमारे फिक्स चार्जेस हैं, और अगर इनको लेस कर दिया जाए तो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा रुपीज 20,000। तो हमारा फाइनल गोल होता है नेट प्रॉफिट अच्छा हो जाए, नेट प्रॉफिट। अगर आप कंपेयर करेंगे यहां पे नेट प्रॉफिट रेट निकालने के लिए, तो ये 2,00,000 रुपए के ऊपर अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट रेट अगर मैं निकालूं तो रेट आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 10%। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10% हमारा रेट है, हम 10% का इंश्योरेंस करा लें, तो जवाब होगा गलत, क्योंकि मिस हैपनिंग होने पर आपको फिर कंपनी 10% ही प्रॉफिट का देगी, और अगर 10% प्रॉफिट का हमें इस समय मिल भी जाए 20,000, तो ये फिक्स चार्जेस हमें अपनी जेब से करने पड़ जाएंगे और हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं, उल्टा 20,000 का नुकसान हो जाएगा। कंपनी हमें जितने परसेंटेज का हम इंश्योरेंस करेंगे उतने ही परसेंटेज मनी देगी, तो यहाँ पे परसेंटेज हमें 10 मिलेगी। अगर 10% प्रॉफिट का हमने इंश्योरेंस कराया तो हमारा प्रॉफिट का इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड नहीं कराए। इसलिए अगर आप अपने आप को फुली इंश्योर्ड कराना चाहते हो, तो आप एक तो इस प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराओ कि 20,000 आपको प्रॉफिट का मिल जाए, और साथ ही साथ इन पैसों को भरने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको मनी दे दे, जिससे कि आपके पास ये प्रॉफिट बच जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये 40,000 भी इंश्योरेंस कंपनी से लेने के लिए इसका भी इंश्योरेंस कराना चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि मैं सारा का सारा रिस्क ही कंपनी को पास कर दूं। अगर मैं पूरे 40,000 का इंश्योरेंस कराता हूं तो सारा रिस्क अब प्रॉफिट का और खर्चे का कंपनी उठाएगी। बट हो सकता है मैं प्रीमियम को सेव करने के लिए या फिर मैं कुछ रिस्क खुद उठाने की क्षमता रखता हूं, इसलिए पूरे पैसे का इंश्योरेंस ना करा के इसमें से कुछ पोर्शन का इंश्योरेंस कराता हूं। मैं मान के चलता हूं कि इसमें से मैंने 10,000 रुपए ऐसे छोड़ दिए जो कि अनइंश्योर्ड है। अनइंश्योर्ड का मतलब है मैं कंपनी से कह रहा हूं कि आप ये पैसे मुझे मत देना, आप मुझे 30,000 रुपए का इंश्योरेंस दे दो। 30,000 मैंने इंश्योर्ड करा दिए, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि कंपनी अब मुझे 20,000 रुपए प्रॉफिट के लिए और केवल 30,000 रुपए फिक्स एक्सपेंसेस के लिए देगी, 50,000 रुपए का इंश्योरेंस, और ये वाला लॉस, ये वाला खर्चा मुझे अपनी जेब से उठाना पड़ेगा। इससे मेरा प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ये मैं खास लेकर चल रहा हूं कि मैंने फुल वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं कराया। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट का रेट अब इंक्रीज मान लिया जाएगा, क्योंकि अब मुझे कंपनी ये वाली पेमेंट भी करेगी। तो अब मैं जो नया प्रॉफिट रेट निकालूंगा, जिसका मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूंगा, 10% से ज्यादा कर पाऊंगा, अब इस चीज को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेट यहां से निकलता है, बट ये क्योंकि हम टुवर्ड्स ग्रॉस प्रॉफिट जाने लग गए हैं, इसलिए इसे भी हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। इसे नेट प्रॉफिट रेट तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेट तो 10% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या हो जाएगा, 20,000 का तो एक इंश्योरेंस करा लिया जो कि नेट प्रॉफिट का है, उसके अलावा हमने अपने फिक्स एक्सपेंसेस का भी इंश्योरेंस करा दिया, जिसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से वसूलेंगे। तो अब हमारा 50,000 रुपए का इंश्योरेंस हो गया है 2,00,000 रुपए की सेल्स पे। अगर ध्यान से देखिए, 2,00,000 रुपए के माल पे आपने अब 50,000 का इंश्योरेंस करा दिया। वैसे 60,000 का इंश्योरेंस होना चाहिए था, बट यहाँ पे 50,000 का इंश्योरेंस करा लिया गया। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो ये 25% आ जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलूं कि मेरा नुकसान हो गया, तो कंपनी से मैं 10% नहीं बल्कि 25% का क्लेम कर पाऊंगा। भैया मेरे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी पोर्शन आपको देना पड़ेगा, मैंने उसका भी आपको प्रीमियम दिया है, और वैसे सही जो रेट था वो तो 30% होना चाहिए था, हमें इस वैल्यू का इंश्योरेंस कराना चाहिए था, पूरे के पूरे 40,000 का इंश्योरेंस कराना चाहिए था, बट अब 25% का लेकिन हमारा इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज को यूज करूं तो अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कितना प्रॉफिट का लॉस हुआ जिसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर लेगी। 24,000 का 25% निकालें तो रुपीज 6,000,
और बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं कि यही चीज फार्मूला आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे निकाला जाता है, और यही फार्मूला दिया हुआ है आपके पास, वही प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे हम फ्यूचर के सेल्स को एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अंदर कोई खास बात नहीं है, आपका जो जिस वैल्यू का आप इंश्योरेंस कराने चाहते हैं बस उस वैल्यू को सेल से डिवाइड करना है। हमने 20,000 का नेट प्रॉफिट तो 100% इंश्योरेंस कराएंगे कराएंगे, ये तो पॉलिसी का बेसिक थीम ही है, और उसके अलावा फिक्स चार्जेस भी अपनी जेब से ना भरने पड़े इसलिए हमने उसका भी कुछ इंश्योरेंस करा लिया। चलिए इसके बाद इसके अंदर एक सेकंड पार्ट शुरू होता है, तीन पार्ट के बाद हमें पता चलेगा फाइनल क्लेम कितना हो पाएगा। अभी फिलहाल हम 6,000 रुपए के क्लेम का मन बना रखे हैं, लेकिन क्या क्लेम 6,000 का एडमिट होगा इसके अंदर थोड़ा समय। एक चीज इससे पहले मुझे और सिखानी है और बतानी है, वो है एडिशनल एक्सपेंस। कभी कभी हम बिजनेस में इस एक्सीडेंट के कारण कुछ एडिशनल एक्सपेंस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और अब सवाल उठता है कि क्या वो एडिशनल एक्सपेंस जो हमने खर्च किया उसका पैसा कंपनी हमें पे करेगी या नहीं करेगी। इस चीज को ऐसे समझे कि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके अंदर मैंने माना था कि मेरी सेल इस पीरियड में 44,000 की एक्सपेक्टेड है, बट आग लग गई, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से मैं वो 44,000 की सेल्स नहीं कर पाया। एग्जांपल से आग लग गई और मैं वहां पे अब बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक पड़ोस की खाली दुकान किराए पे लेनी पड़ी और वहां मुझे 20,000 रुपए की सेल करने का मौका मिला, लेकिन उसके लिए मुझे किराया देना पड़ा। यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि मैंने 20,000 रुपए की सेल्स की एंट्री डाल दी थी, बट ये 20,000 की सेल्स करने के लिए मुझे वो मकान, वो दुकान जो है वो किराए पे लेनी पड़ी और वहां पर मुझे कुछ किराया देना पड़ा। जो मुझे किराया वहां पे देना पड़ा से ₹5,000 रुपए का किराया देना पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया वो पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसका डिसीजन कि ये पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तीन बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। तीन बातें बताएंगे कि एक्सपेंस मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे। पहली बात तो आपके से ये पूछा जाए कि भैया तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ। एक्सपेंस है ₹5,000। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो ये प्ले करेगी कि आखिर इस खर्चा करके उससे आपने सेविंग कितनी की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उसका वर्थ होना चाहिए। तो इस 5,000 रुपए को खर्च करने से आपके पास रियलिटी में ये 20,000 रुपए की सेल्स आई। ये फिगर मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ये फिगर मैं मान के चलता हूँ कि से ₹4,000 रुपए हमने 4,000 रुपए का खर्चा किया, और 4,000 रुपए का खर्च करने के कारण ये 20,000 रुपए की हमारे पास सेल्स आ पाई। तो इस खर्चे का वर्थ है या नहीं है ये बताएगा कि इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट जो सेल्स हमें अचीव की उस पर कितना प्रॉफिट हमें हुआ। तो इस 4,000 रुपए का खर्चा करके हमने 20,000 रुपए की सेल की और 20,000 रुपए 25% प्रॉफिट आना चाहिए, मतलब 5,000 रुपए आना चाहिए। तो कोई भी बता देगा कि ये खर्चा करना वर्थफुल रहा क्योंकि हमने उस खर्चे से 5,000 रुपए कमाए और उसके अंदर गवाए कितने 4,000, तो ये वर्थफुल रहा। अगर ये खर्चा वर्थफुल है तो आपको कंपनी उसका बेनिफिट देगी। बट एक काम इसमें भी और करना है जो कि फाइनल डिसाइड करेगा कि ये पूरा खर्चा एडमिट हो जाएगा या इसका पूरा खर्चा एडमिट नहीं होगा। ये इस बात से डिसाइड किया जाएगा कि आपने इंश्योरेंस में सभी खर्चों का इंश्योरेंस कराया था या बात हुई थी कि कुछ खर्चा आप खुद झेल लेंगे। अगर इस एग्जांपल के अंदर आप देख के चलें तो आपको पता चलेगा कि हमारा टोटल खर्चा 40,000 रुपए का था, बट हमने इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 का इंश्योरेंस नहीं कराया था, हमने जो इंश्योरेंस कराया था वो 30,000 का इंश्योरेंस कराया था। हमने अपने आप को फुल्ली सिक्योर नहीं करा रखा। बात हो गई थी कि कुछ पोर्शन एक्सपेंस का, कुछ पोर्शन लॉस का बिजनेसमैन खुद बियर करेगा। तो जब ये बात हो गई थी तो बात यहां पे लागू भी की जाएगी, वो है प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। वो कहेंगे जी हम आपको पूरा एक्सपेंस तभी देंगे जब आप फुली अपने आप को इंश्योर कराओगे। आपने आपको अपने आप को फुली इंश्योर्ड ही नहीं कराया तो आपको क्लेम भी फुल अमाउंट का नहीं मिलेगा। आपका जो खर्चा हुआ है ₹4,000 हम उसे प्रोपोर्शनेट कर देंगे। कैसे प्रोपोर्शनेट कर देंगे भाई, टोटल इंश्योरेंस आपने कितनी वैल्यू का उठाया, आपने जो इंश्योरेंस कराया इस 2,00,000 रुपए की सेल में आपने ये 50,000 रुपए की वैल्यू का इंश्योरेंस कराया, ₹50,000। जबकि आपके लिए सही इंश्योरेंस कितनी वैल्यू का होना चाहिए था, इसमें ये 10,000 रुपए और होना चाहिए था, 60,000 रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए था, इसलिए डिवाइड कर देंगे वो 60,000 रुपए से
और उसके बाद वो बताएंगे भैया कुछ खर्चा तो आपको खुद उठाना पड़ेगा, और 4000 के साथ अगर मैं इसको अप्लाई करूँ मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 6 कर दूँ तो वैल्यू आ रही है ₹3,333। 4000 पूरे आपको इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी जब आपने पहले ही बात कर ली थी कुछ लॉस खुद उठाएंगे। तो इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी एडमिट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ₹3,333 जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो आपकी एडमिट के क्लेम के लिए एडमिट होने के लिए एलिजिबल हो पाएगी। लास्ट और आखिरी चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो ये कि क्या हमारा पूरा लॉस का क्लेम एडमिट हो जाएगा। क्लेम एडमिटेड, क्या पूरी वैल्यू का क्लेम एडमिट हो जाएगा? अभी फिलहाल हमें लग रहा है कि हमारा जो लॉस हुआ है वो 6000 का तो एक हो गया है, और दूसरा 3333 मतलब 9333 का हमारा टोटल लॉस या एक्सपेंस हो गया है। क्या पूरा का पूरा क्लेम एडमिट हो जाएगा या फिर पूरा क्लेम एडमिट नहीं होगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है फिर से कि आपने इंश्योरेंस पूरी वैल्यू का कराया था या कम वैल्यू का कराया था। अगर आपने इंश्योरेंस पूरी वैल्यू का कराया था तो पूरा क्लेम एडमिट हो जाएगा, और अगर आपने पूरी वैल्यू का इंश्योरेंस नहीं कराया तो कुछ ना कुछ तो लॉस आपको खुद बियर करना पड़ेगा। और ये चीज भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि पॉलिसी की वैल्यू कितनी है और कितनी होनी चाहिए। अब अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो पॉलिसी कितनी वैल्यू के लिए आपने और पॉलिसी होनी कितने की चीज थी, पॉलिसी नीडेड, इन दोनों से पता चलेगा। अब मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं कि इससे हमने कि जो पॉलिसी ली है यहां पर वो ₹40,000 की ली है। हमने बोला कि हमारा ₹40,000 का बीमा कर दो। अब ये चेक करना होगा कि पॉलिसी क्या ₹40,000 की लेना सफिशिएंट होता। एक चीज ये डिसाइड करेगी, एक वर्किंग से पता चलेगा कि ये सफिशिएंट है या नहीं, वो ये कि आपकी लॉस तक कितने की सेल हो चुकी है और फ्यूचर में कितने के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी। एक चीज अच्छे से समझ लेना, इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉस शुरू हुआ, जो लॉस का पीरियड यहां पर है वो Q3 है, यहां से लॉस की शुरुआत हमने की है। ये पीरियड आगे का लॉस का पीरियड है, लॉस यहां पर हुआ था, इससे पहले लॉस नहीं हुआ था। बट इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि आप अपने आप को फुली इंश्योर कराएं, और ये जो पीरियड लॉस वाला है उसके लिए उससे पहले जो आपकी सेल्स है वही फ्यूचर के प्रॉफिट को डिसाइड करेगी। तो यहां पर एक छोटी सी आपको कैलकुलेशन और करनी है, जब लॉस शुरू हुआ है उससे ठीक पहले के एक साल में आपकी कितनी सेल्स हुई थी ये जानने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो 4 क्वार्टर है उनकी सेल्स जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी पीरियड की सेल्स जानने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए यहां के लिए ये चेक करना है कि आपको कितना इंश्योरेंस कराना है। जिस दिन लॉस हुआ इससे ठीक बाद वाले पीरियड को आप इंश्योर कराना चाहते तो उससे ठीक पहले वाले पीरियड से गिनती की जाएगी कितने इंश्योरेंस की आपको नीड थी। और ये नीड, क्योंकि प्रॉफिट का इंश्योरेंस कराना है, सेल्स से ही पता लगाया जा सकता है कि कितने इंश्योरेंस की आपको आवश्यकता है। तो आपको गिनना पड़ेगा कि ठीक लॉस से पहले आपकी 12 महीने में 365 दिन में कितनी सेल हुई थी। अगर मैं ये फिगर यहाँ पे कैलकुलेट कर लूं तो जो अमाउंट मेरे पास आएगा, देखो 40,000 है, फिर 30,000, 70,000 हो गया, 70,000 के अंदर प्लस कर देते हैं 55,000 और फिर 88,000, ये हो रहा है 213,000 रुपए की सेल्स। इस पीरियड में जो सेल्स है वो है ₹213,000, लॉस होने से ठीक पहले की सेल्स है ये। और बट मुझे सेल्स यहां की नहीं मिलती, मुझे लॉस वाले पीरियड की एक्सपेक्ट नहीं। अगर ये सेल्स में लॉस वाले पीरियड में ले जाऊं तो ये फिगर बदल जाएगी, ये फिगर हो जाएगी 213,000 प्लस हमारा 10% का इंक्रीजिंग ट्रेंड भी तो चल रहा है। अगर आप देखें इधर 50,000 था, इधर 55,000 था, इधर 80,000 हो गया, वो 88,000 हो गया, तो ये ट्रेंड अगर हम फॉलो करें तो जो पास्ट में 213,000 रुपए की सेल थी वो फ्यूचर में 10% इंक्रीज हो जाएगी। और 213,000 का अगर मैं निकालूं, इसके अंदर 10% इंक्रीज कर दूं, तो जो फिगर मेरे पास आ रही है इसके अंदर वो आ रही है ₹2,34,300।
पास की सेल थी 2,13,000, तो फ्यूचर की सेल तो 2,34,300 एक्सपेक्टेड है, तो मुझे कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए? अगर मैं फुली इंश्योर कराना चाहता हूँ अपने आप को, तो मुझे इसका 25% रेट ऑफ प्रॉफिट तो 25% है ना, जो आपको इंश्योरेंस यहाँ पर फिलहाल आपने अपना लेकर चल रहे हैं आप, तो यहाँ पे जो पॉलिसी का अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए ₹2,34,300 × 25%। अगर इसकी 25% वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू आ रही है ₹58,575। आपने अंडर इंश्योरेंस कराया, और हमने लॉस ऑफ स्टॉक के वक्त ही सीख लिया था कि अगर अंडर इंश्योरेंस कराया जाए तो जो क्लेम है वो प्रोपोर्शनेट रिड्यूस कर दिया जाता है, प्रोपोर्शनेट क्लेम ही दिया जाता है। अगर हमने 58,575 से ज्यादा से 60,000 का इंश्योरेंस कराया होता तो हम फुली इंश्योर्ड हो जाते और हमें पूरा क्लेम मिल जाता, बट अब हमें पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। फाइनली जब क्लेम का अमाउंट यहाँ पे निकलेगा वो प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा, तो टोटल लॉस जो हमारा आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था 6,000 + 333,9333, अब इसको चेंज कर दिया जाएगा, क्लेम हो जाएगा आपका ₹9,333 × 40,000 और डिवाइड बाय 58,575। ये प्रोसीजर हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में सीख लिया था, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे ये काम करता है। और अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ, 40,000 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करें 58,575, तो जो क्लेम का अमाउंट रिवाइज हो जाएगा वो जाएगा 6,373। बस इतनी ही कैलकुलेशन आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर करने की आवश्यकता होगी, जो कि अगर आप देखें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले जो काम आपको करना पड़ा वो क्या करना पड़ा, शॉर्ट सेल को जानना पड़ा, और शॉर्ट सेल खेलने के लिए बहुत ही आसान सी वर्किंग रही। प्रीवियस पीरियड में, प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में जो सेल थी उसको हम उठा के ले आए फ्यूचर के लिए, और अगर कोई ट्रेंड था तो उसके अंदर उसका इफेक्ट ले लिया, तो सबसे पहले हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स आ गई। ये हमारी क्या कहला सकती है, एक्सपेक्टेड सेल्स। उसमें से जो सेल्स हमने कर दिया उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे को शॉर्ट सेल्स का पता चल गया, इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो गया। फिर हमें चाहिएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट, ये तो बहुत ही आसान है। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, जिसका फाइनल अकाउंट बन चुका है, उसी से ये प्रिडिक्शन की जाएगी, अधूरे साल से ये प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। इसलिए जो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसके अंदर हमने देखा कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने स्टैंडिंग चार्जेस जो थे उनका भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम करने के लिए बर्डन डाल दिया। फुल डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है, कम डालोगे तो जितना बर्डन डालोगे उसी हिसाब से आपका रेट रिवाइज हो जाएगा। उस रेट को जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया, हमें लॉस का पता चल गया कितने अमाउंट का लॉस हुआ। फिर एडिशनल एक्सपेंस ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपसे पूछा जाएगा भी कितने का खर्चा किया, फिर उस खर्चे की वर्थ है या नहीं है वो चेक की जाएगी, उसके लिए देखा जाएगा जो सेल आपने इस खर्चे से की उसका कितना प्रॉफिट कमाया, कमाई ज़्यादा होनी चाहिए खर्चे से तभी उस खर्चे को करने का फायदा है। ऐसे खर्चे का क्या फायदा, ₹100 खर्च करें और ₹80 बचाएं, उसमें तो खर्चे का फायदा नहीं। फायदा तो तब है जब ₹100 खर्च हो तो ₹110 की कमाई हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वर्थ उसका है नहीं। अगर वर्थ नहीं है तो जो लिस्ट वैल्यू है वही अलाउड की जाएगी। और लास्ट में आपने पूरा खर्चा खुद झेलने की बात की थी या कंपनी के कुछ खर्चा कंपनी और कुछ खर्चा आपने झेलने की बात की थी, तो यहाँ पे हमने सारा खर्चा कंपनी को नहीं दिया था, हमने कंपनी को ₹60,000 की डिमांड की थी, जबकि डिमांड हमें सॉरी 50,000 की डिमांड कंपनी के ऊपर डाली थी, जबकि डिमांड 60,000 की होनी चाहिए थी। इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शन करके देखा जाएगा कितनी वैल्यू आपको एलिजिबल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ये भी दिक्कत वाली बात है। लास्ट है क्लेम कितने का एडमिट होगा, अगर आपकी पॉलिसी सफिशिएंट होगी तो फुल एडमिट होगा, वरना फुल एडमिट नहीं होगा। तो पॉलिसी का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस आपको ये चेक करने कि आपकी सफिशिएंट पॉलिसी है या नहीं है। उसके लिए बस ये ध्यान रखना है कि लॉस से ठीक पहले 1 साल की आपकी सेल कितनी थी, उसको आप फ्यूचर के अंदर चेंज करने के लिए ट्रेंड का यूज कर लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस इस पीरियड का है, सेल प्रीवियस पीरियड की है, तो उसे चेंज ओवर करने की रिक्वायरमेंट है। लॉजिकली आपने पहली वाली शॉर्ट सेल को भी मॉडिफाई किया तो इसे भी मॉडिफाई करेंगे, और जो परसेंटेज थी आपकी, जो भी आपकी रेट ऑफ प्रॉफिट था, उससे आपको पता चलेगा कितनी पॉलिसी नीडेड है। अगर पॉलिसी आपने कम की लिया तो एवरेज क्लॉज लगा देंगे, आपके पास क्लेम आ जाएगा। क्लियर है पूरा प्रोसीजर?